Hey, welcome back boys and girls to Pokemon Scarlet and Violet, जहाँ पे गई पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने Atticus का काम कर दिया था यार। We got some new outfits man। अभी तो मैं नहीं पहना हूँ because they were a little too much, पर you know actually like ball guy वाली helmet लगा देते भाई फिर से, वो तो थोड़ी ठीक थी भाई, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं था। It was all okay man, I would not say anything was great, but yeah, ball guy helmet looks pretty cool, looks goofy man। पर हम लोग आज के करने वाले, आई फाउंड आउट एक्सप्लॉइट बाय द वे, मुझे भी पता चला कि जो हम लोग यहाँ पे जिम लीडर्स बुलाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम उनसे फाइट करो ही करो, हमें उनसे लाइक तीन बार फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वी हैव टू फाइट देम वन टाइम दो, तो एक बार मैंडेटरी फाइट करनी है, पर उसके बाद फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ट्राई दिस आउट, लेट्स सी भाई एक्चुअली ऐसा होता है कि नहीं। कॉल अ स्पेशल कोच और हम लोग बुलाएंगे भाई योनो को, क्योंकि योनो आई थिंक बस हमें एक ही बार बुलाना है उसको, और एंड लाइक शी वुड बी डन फॉर। व्हाट्सअप हीनिक्स, यू नो व्हाट आई नो, यू नो नथिंग गर्ल, शुड द एफ अप। कुछ हमें अभी देने वाली है फिर, ओ या ओके दे वी गो। तो या वी डोंट हैव टू फाइट हर मैन, क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी भाई गिफ्ट दे दी है, तो जो गिफ्ट ये हमें बैटल के बाद देगी दैट वुड बी लाइक एन एडिशनल थिंग, बट वी जस्ट वॉन्टेड टू ट्रेड पोकेमॉन राइट, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने एक अलग बॉक्स भी बना दिया भाई ये, अच्छा हमें मैग्नेमाइट दे रही है, ओके या मैंने एक स्पेशल बॉक्स बना के जिससे मैं इनके सारे पोकन स्टोर करके रख सकूँ इन पे, क्योंकि स्पेशल मार्क्स होते हैं भाई, इनके पास रिबन्स होती हैं लाइक पार्टनर रिबन्स, सो आई रियली वांट दैट। यू नो व्हाट, आई विल जस्ट गिव हर अ बर्बोच मैन, इफ यू गर्ल यू जस्ट टेक अ बर्बोच, देयर यू गो। तो जब तक मैं ये कर रहा हूँ भाई, तब तक मैं बता दूँ कि थिंग्स आर गोना गेट रियली इंटरेस्टिंग मैन। हम लोग कुछ दिनों में, होपफुली कुछ दिनों में जब भी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे ऑफ अ न्यू गेम। थोड़ा पोकेमॉन की तरह ही है, बट इट्स नॉट रियली पोकेमॉन, बट मुझे पता है कि तुम लोगों को पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ टेक्निकली पोकेमॉन। ए शाइनी है क्या? नहीं शाइनी तो नहीं है, थोड़ी देर के लिए लगा भाई मेरे को। चैंपियंस बर्बोच, इफ आई ट्रेन इट अप आई विल रेक इन दोज स्वीट स्वीट व्यूअर नंबर्स, आई मीन सॉरी आई वॉज जस्ट बजिंग विद ग्रेटिट्यूड, डेफिनेटली डिडंट से वॉट एवर समवन माइट थिंक आई वॉज सेइंग। लड़की क्लाउड चेजर है भाई, ये क्लाउड चेजर। ऑल्सो वी आर गोना ओपन सम न्यू कार्ड्स मैन, हम लोग थोड़ी कार्ड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मुझे बहुत ही मुश्किल से भाई वो पोकेमॉन 151 वाला बॉक्स मिला भाई, इट वॉज वेरी हार्ड टू फाइंड, बट आई फाइनली गॉट इट। जिनको नहीं पता है भाई, एक नया बूस्टर बॉक्स आया हुआ है पोकेमॉन 151 का, जिसमें लाइक सारे ओरिजिनल 151 पोकेमॉन है, एंड देर आर सम अमेजिंग आर्ट रेयर्स मैन, अमेजिंग आर्ट रेयर्स। खास करके उसमें लाइक स्टार्टर लाइन जो है चार्मेंडर, स्क्वर्टल, बल्बसॉर, इनके तीन आर्ट रेयर्स हैं, दे लुक फ्रिकिंग अमेजिंग डूड। ओके सो आई एम कॉलिंग समवन न्यू, आई एम कॉलिंग हर, आई डोंट रिमेम्बर ये क्या नाम था इसका, केटी, ओके माय नेम इज केटी एंड आई एम द ओनर ऑफ पैटिसियर सोपबेरी इन पैल्डिया रीजन, एंड मैंने फिर इसको बुला लिया भाई, ही वॉज द एक्चुअल ग्रास टाइप जिम लीडर। यो केटी द ओनर ऑफ ब्लू ब्लू शॉप राइट? Yes, that's me. And you must be Brassius from the artisan gym. ये क्या लीजम के साथ क्या कर रहा है भाई तू? That seems very fishy, man. By the way, अगर तुम पीछे वाली पेंटिंग पर ध्यान दो ना, उस लड़की की पेंटिंग है, she sometimes blinks, dude. She actually blinks. मेरे को किसी ने, yeah, she just blinked. Oh my god. Also, you know कि भाई इसमें golden ring आ गया, so that is cool. बट या दिस थिंग वर्क्स, मुझे बस टेस्ट आउट करना था भाई, आई एम गोना डू दिस लेटर देन, मैं एक्चुअली पार्ट टाइम में भी कर सकता हूँ, डोंट थिंक एनीवन इज इंटरेस्टेड इन लाइक सीइंग व्हाट दिस गाइज हैव टू से। अभी फिलहाल मैं आई एम गोना गो आउट एंड हम लोग जाते हैं भाई टेरेरियम में, मैं आज थोड़ी पोकन पकड़ने की सोच रहा हूँ, वी विल ट्राई टू हंट फॉर सम पोकेमॉन फर्स्ट एंड थोड़ा पोकेडेक्स कंप्लीट करते हैं, सो दैट वी कैन टॉक टू द गर्ल, दी आर्कनाइन गर्ल। ओके अपने पास कितने पोकेमॉन हैं ऑलरेडी ये देखें जरा, मैंने 164 है भाई, तब से मैंने पकड़े नहीं है क्या? जब मैंने पिछली बार देखा था तो भी इतने थे भाई। तो यहाँ पे तो देखो ट्रेड वाला पोकेमॉन है राइडोन को ट्रेड करके राइपियर बनेगा एक, तो वो है इलेक्टिवायर हम लोग पकड़ सकते हैं आई थिंक वाइल्ड में, मैंने यार देखा तो था इसका, मैगमोटर को भी आई थिंक मैंने देखा था, शायद वाइल्ड में पकड़ सकते हैं, नहीं तो हमें फिर ट्रेड करके ही करना पड़ेगा। ट्रम्बीक हमें मिल जानी चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो ट्रम्बीक, टेंटाकूल एंड टेंटाक्रूल, दीज आर द वंस दैट वी कैन कैच। ओके कुछ कुछ पोकन ऐसे हैं जो एक्चुअली काफ़ी आसान है भाई पकड़ना। इधर म्याउस्किट मैंने काफ़ी सारी देखी थी, आई कैन कैच दैट। बिल्डम मैंने पकड़ा नहीं है क्या भाई? बिल्डम तो मेरे को इतने सारे मिले थे, आई थिंक शाइनी हंटिंग के चक्कर में पकड़ा नहीं मैंने बिल्डम।
Okay, great man. I know spots like for most of these guys. And starters, actually, हमने अगर starters को evolve कर लिया ना, we can complete like half of the Pokédex, half of the requirement for the Perrin quest, man. ठीक है, I'm gonna head off to the ice biome क्योंकि हम लोग पहले Beldum line पकड़ेंगे भाई. The Beldum line is pretty easy to catch. And यहाँ पे ऊपर से एक mass outbreak भी चल रहा है भाई इसका, तो that is also cool. वी हेलो ग्रैंडबुल पकड़ा है क्या मैंने ग्रैंडबुल या आई हैव कॉट ग्रैंडबुल यार यहाँ पे मास आउटब्रेक की वजह से शायद बेल्डम ना मिले पर कम से कम मिटैंक तो मिल ही जाएगा ये लेजेंडरी की तरह नखरे हैं भाई इसके पकड़ में आ जाओ साहब जी अल्ट्रा बॉल वेस्ट करनी पड़ रही तेरे पे मुझे थैंक यू यू नो इफ आई जस्ट रोम अराउंड लाइक दिस अगर मैं ऐसे घूमता रहूँ ना तो भी काफ़ी पोकेमॉन दिख जाएंगे जो कि मैंने नहीं पकड़े हैं भाई हैव आई कॉट दिस और इसका स्मार्क है वी कैन एक्चुअली कैच दिस कुछ अच्छे मार्क हो सकते हैं भाई इसके पास हेलो बॉय भाई कपचू आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मैन मैं तेरी ठंड समझ सकता हूँ भाई अपने आप अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है भाई तुम लोग के यहाँ पे हो रही है क्या सर्दी यार लाइक आई लिव इन मिडिल इंडिया सो मेरे यहाँ पर तो भाई काफ़ी ज़्यादा है पीपल हु लिव इन हैदराबाद वगैरह यार उनके यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगी भाई सर्दी बट लाइक आई हर्ड कि दिल्ली में बहुत ख़राब हाल है भाई मेरे यहाँ पर तो भाई कम से कम एक हफ्ता हो गया धूप ही नहीं निकली अभी तक अरे वैसे मार्क क्या था इसके पास वो तो देखा नहीं मैंने मार्क क्या था भाई इसके पास साइन अ मार्क स्नोई मार्क है इसके पास मार्क फॉर अ स्नो फ्रॉकलिंग पोकेमॉन ओह वेट अच्छा ओके मैंने इसको पकड़ा भी नहीं है ऊपर से यहाँ पे इसकी स्टेलर टाइप रेट चल रही है आई मीन श्योर मैन दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वी कैन कैच हिम कुछ तो मैलमार या ऐसा कुछ था आई थिंक इसका नाम आई वॉज रियली नॉट अ फैन ऑफ दिस पोकेमॉन एवर बट यू लुक सुपर कूल दो आई थिंक इनके का इवोल्यूशन कुछ होता ही है वट इज दिस गाई कॉल्ड मैलमार या लुक सुपर कूल जेम्स के पास एक इनके था पर आई डोंट थिंक उसने इवॉल्व किया था दे हैड लाइक सम गुड पोकेमॉन उनके पास कुछ पोकेमॉन थे जो कि काफ़ी क्रेजी थे भाई जो कि एक्चुअली लाइक ऐश को हराने की तो नहीं चलो वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया बट या उनको सबक सिखाने की थोड़ी कैपेबिलिटी थी उनमें स्लोब्रो का अच्छा हो इसके लिए हमें आई थिंक गलारियन ट्विग्स वगैरह देनी है ब्रो टू इवॉल्व स्लोब्रो इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म्स यू नो लेट्स डू द गलारियन ट्विग थिंग फर्स्ट मान उससे थोड़ा बात करते हैं शी शुड बी लाइक राइट हियर आई थिंक हेलो गर्ल इज दैट यू क्या दे रही है भाई मुझे तू ग्लारिका कफ और ग्लारिका रीद इफ यू ब्रिंग मी सम ग्लारिका ट्विग्स ओके तो मेरे पास थोड़े ग्लारिका ट्विग्स वगैरह कम थे आई वेंट आउट एंड कलेक्टेड सम मोर और काफ़ी आसान है भाई कलेक्ट करना वो जो जहाँ पे स्लोपोक्स मिलते हैं वहीं पे भाई ग्लारिका ट्विग्स कई सारे मिल जाएंगे तुम्हें पड़े हुए सो या वी शुड बी एबल टू क्राफ्ट सम ग्लारिका कफ्स फर्स्ट सो आई नीड 8 ट्विग्स टू मेक ग्लारिका कफ्स आई गेस दैट इज फाइन या मन एंड बना दिए कि तूने फ्रेशली वोवन है यू को ओ नाइस मन अच्छा लग रहा है थैंक यू फॉर दैट तो इससे होपफुली हम लोग भाई कर सकते हैं इसको इवॉल्व या तो इसने स्लोपोक की बात भी करी आई एम थिंकिंग कि हम लोग इसको इवॉल्व कर सकते हैं लेट्स सी आई डू हैव अ ग्लारियन स्लोपोक मेरे को पोकेडेक्स में दिखा रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी है पर नहीं था आई हैड टू कैच वन मेरे पास नॉर्मल वाला था भाई ग्लारियन वाला नहीं था मेरे पास ओके सो इफ वी जस्ट यूज दिस थिंग या देयर वी गो कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है भाई तू गिर जाएगा तू नाइस तो इससे बन जाते हैं भाई ये स्लो ब्रो और स्लो किंग बनाने के लिए हमें फिर वो चाहिए पड़ता है ग्लारिका कफ्स पहले आई थिंक ट्रेडिंग वगैरह से होता था क्या और होपफुली मेरे पास और हों जिससे मैं ग्लारिका कफ्स या जो भी है वो बनवा सकूं ग्लारिका रीड एक्चुअली 15 तो मेरे पास हैं भाई आराम से थैंक यू गर्ली वर्ली ग्लारिका रीड ओके सो इससे हम लोग शायद ये भी कर पाएंगे एंड इसको मैं इवॉल्व कर लेता हूँ आई थिंक लाइक बाकी जो पोकेडेक्स है हम लोग आराम से भर सकते हैं बाई जस्ट इवॉल्विंग आर स्टार्टर्स मैन ओ वेट आई कैन नॉट यूज दिस वेट व्हाट प्लेसिंग इट ऑन हेड ऑफ अ स्लो पोक मेक्स पोकन वेरी हैप्पी वेट व्हाट स्लो पोक से ही हमें इवॉल्व करना है क्या ये क्या बात हुई कोई समझ में नहीं आया सीन
पर शायद ऐसा हो, शायद से ऐसा ही है भाई. Yeah, I'm gonna catch one more slowpoke. Let's see. Okay, मैंने एक और slowpoke तो पकड़ लिया है. देखते हैं ऐसे होता है क्या भाई. होना तो ऐसी चाहिए वैसे. या ओके देन. मुझे लगा कि स्लो किंग के लिए तो सेकेंड एवोल्यूशन चाहिए होगा कम से कम, पर स्लो पोक से ही हो रहा है भाई ये तो. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्लो पोक इवॉल्व टू स्लो किंग. इंटरेस्टिंग. वेट, एम आई लाइक जस्ट बीइंग कंफ्यूज्ड और ऐसे ही होता था हमेशा से, ये पता नहीं भाई. बट ओके, देयर वी गो. तो लैंटर्न के बाद वाला कौन सा पोकन है भाई, वो भी चाहिए हमें. ओके बॉयज, इट्स टाइम टू इवॉल्व आवर स्टार्टर्स. आई थिंक मेरे पास चार्मेंडर का तो पूरी लाइन है. I don't have this quarter line, I'm pretty sure. मेरे पास ट्रीको का है, टॉर्चिक का मुझे करना है. सो आई एम गोना कीप टॉर्चिक एंड वी आर गोना कीप स्क्वर्टल एंड वी आर गोना कीप चिकोरीटा. राउलेट का भी आई एम श्योर मेरे पास नहीं है. स्नाइवी का भी नहीं मेरे पास. या वी आर गोना फिल लाइक अ लॉट ऑफ द पोकेडेक्स एट वंस मैन. तुम देखो भाई बस. तगड़ा लग रहा है भाई. इसका मेगा एवोल्यूशन और भी सही लगता है भाई. तुम्हें एक वो बंदा याद है फ्रॉम वन पंच मैन, द ओल्ड गाय, जो कि मार्शल आर्ट्स में काफ़ी सही है भाई. वो थोड़ा बहुत उसकी तरह वाइब देता है भाई. जब ये मेगा एवोल्व हो जाता है ना ब्लेजिकन, थोड़ा बहुत उसकी तरह वाइब्स होती हैं भाई उसकी. ए अर मैन, ब्लास्ट टॉइज इज हियर मैन. इसके टेक्सचर्स देखो कितने सही लग रहे हैं भाई. Dude, the textures look amazing, man. Blastoise के textures actually काफ़ी सही है. इसके तुम shell पे देखोगे ना तो scratches वगैरह भी दिख रहे हैं. और मैंने एक क्लिप देखी थी जहाँ पे पता चला है कि Blastoise के इन्होंने जो वो जो एनिमेशन है अटैक वाली, वो इन्होंने फिक्स कर दी है भाई. फाइनली इसके cannons में ही सही पानी निकलता है, नहीं तो उसके मुंह में से निकलता था शायद पहले. चलो भाई, कुछ तो अच्छा काम किया इन्होंने. ओके सो हम लोगों ने काफ़ी कर लिया भाई. स्टार्टर्स तुम देख सकते हो भाई, यहाँ पर रिसेंटली कॉर्ड में सारे स्टार्टर्स दिख रहे हैं. तो ज़्यादातर मैंने इवॉल्व कर लिया. मेरे पास कई सारे थे जो थे ही नहीं, तो ऑफकोर्स उनको कैसे करेंगे. पर थोड़े बहुत ही बचे हैं भाई. अब बस हमें दो और चाहिए जिससे हम लोग भाई लाइक पेरेंट्स से बात कर पाएं. तो क्या करूं भाई, दो और के लिए क्या करें हम. एंड इसी के साथ भाई हमारे 200 पोकेमॉन हो जाने चाहिए एंड वी शुड बी एबल टू टॉक टू पेरेंट. इसकी क्वेस्ट क्या है भाई, आज देखते हैं ज़रा अपन. मुझे लग रहा है भाई कुछ तो अमेजिंग पोकन दिखाने वाली है. पिछली बार उसने हमें ब्लड मून अर्सलूना दिलवाया था एंड कुछ दिलवाया था क्या, आई डोंट थिंक और कुछ दिलवाया था उसने. पेरेंट गर्ल, चालू करें क्वेस्ट अपनी. लेट्स गेट इट स्टार्टेड गर्ली वर्ली. हे रेक्स, डोंट टेल मी यू ऑलरेडी गॉट योरसेल्फ 200 पोकन फ्रॉम द टेरेरियम. इंप्रेसिव. इट वॉज हार्ड वर्क. इट वॉज मैन, इट रियली वॉज. काफी टाइम लगा. Well, look at you putting in all that effort. I like to see that in a kid. Hey, don't call me kid, girl. I guess you earned yourself the hot tip. Yeah, man, of course. Take a look at these photos, would you? Oh, that looks like Area Zero, man. Straight up, like, it looks like Area Zero. It might not be, though. Like, Paldea ka top right region bhi ho sakta hai. Oh, no. This is definitely Area Zero. This is definitely Area Zero, but yahan pe kuch aise पोकेमॉन भी दिख रहा है भाई मुझे कुछ तो. ओके मुझे ये आई थिंक पता है कहाँ पे एरिया. सी दो स्ट्रेंज पोकेमॉन, दैट फर्स्ट वन्स कॉल्ड गाउजिंग फायर एंड द अदर वन्स कॉल्ड रेजिंग बोल्ट. ओ डैम. ओके, टोटली अननोन पोकेमॉन, टोटली अननोन प्लेसेस. इफ दे आर रियल इट बी अ ह्यूज डील. अपेरेंटली दीज प्लेसेस आर इन पाल्डिया. यू हैव एनी आइडिया वेयर रिक्स? आई थिंक आई डू. या तू भी चलना चाहती है क्या? आर दे फेमस स्पॉट्स? आई मीन नॉट रियली. आई मीन दे आर फेमस बट नो वन रियली गोज देयर. यू नो हाउ इट इज दीज डेज, दीज फोटोज को टोटली बी फेक्स. इट कुड बी फेक्स बट आई डोंट थिंक दे आर. बट इफ यू वॉन्ट टू नो फॉर श्योर, मे बी यू शुड गो एंड ट्राई टू सर्च फॉर दीज पोकेमॉन. आई कैन शो यू द फोटोज अगेंस्ट एनी टाइम यू लाइक. गिव मी अ शाउट. वेट, इस टाइम दिए नहीं है क्या फोटोज? ओके, दैट वुड बी अ लिटिल हार्ड टू फाइंड देन. पर आई गेस वी कैन स्टिल गो एंड फाइंड. मुझे एक बार फर्स्ट वाला फोटो फिर से देखना है, मुझे वो थोड़ा याद नहीं है सही से. सेकेंड वाला फोटो इज मेमोरेबल, लाइक वो मुझे पता है कि वो एरिया कहाँ पे है. ओके आई एम गोना टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मैं भूल जाऊँगा भाई, नहीं तो इसका भी ले लेते हैं.
ठीक है देखते हैं भाई, पर यार ये वैसी क्वेस्ट नहीं है जैसे मैं सोच रहा था यार, ये हमारे साथ चल नहीं रही है ब्रो। मुझे लगा भाई हमारे साथ चलेगी है तब और ज़्यादा मज़ा आता ना यार। ओके लेट्स गो टू रिसर्च स्टेशन 1, क्योंकि आई थिंक ऊपर से ही हमें देखना चालू करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली फोटो तो ऑफकोर्स ऊपर का ही कोई एरिया है, वो काफ़ी एल्टीट्यूड पे है, तो इट शुड बी मे बी अराउंड हियर समवेयर अराउंड रिसर्च स्टेशन 2 मे बी। ओके सो फ्रॉम फर्स्ट लुक्स मे बी उधर की साइड हो सकता है वो, लाइक अराउंड दैट रीजन जो मेरे पीछे एरिया है उधर शायद से हो सकता है। विल हैव टू गो एंड सी, और वहाँ पे भी हो सकता है वैसे। एक मिनट यार फिर से देखते हैं ज़रा, लेट मी सी द फोटोज अगैन। सो द फर्स्ट वन इज दिस, तो वाटरफॉल के बगल में है एंड ऑल्सो एक क्रिस्टल टाइप का है उस पोकेमोन के पीछे। यहाँ पे वाटरफॉल कोई बनी है क्या? हेलो पोकेमोन्स, वाटरफॉल एक वो वाली है एंड वहां पे कुछ क्रिस्टल टाइप का चमक भी रहा है, पर वो सैटेलाइट है आई गेस। दो वाटरफॉल्स हैं भाई यहाँ पे, एक तो एक वो भी है क्या पीछे मेरे, आई डोंट थिंक सो। दो वाटरफॉल्स हैं भाई हमारे सामने, एक तो ये है एक वो है, मेरे को इसके थोड़े चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेट्स सी, वो एक यहाँ पे भी तो है, पर ये वाली तो शायद ही हो भाई। नहीं नहीं उसके पीछे काफ़ी माउंटेन्स थे तो यहाँ पे तो क्लाउड्स दिख रहे हैं मुझे ज़्यादातर। बट आई विल स्टिल सी वन, यार ये फ्लाइंग बहुत अच्छा मिल गया यार, इसकी वजह से हम लोग आराम से देख पा रहे हैं, नहीं तो इतनी दिक्कत आती ना यार। ओके नथिंग हियर, उस वाले पे शायद हो, पर अब मैं जब देख रहा हूँ इतनी ऊपर से मुझे लग रहा नहीं होगा, कहीं और ही है भाई ये तो। या इट्स डेफिनेटली नॉट दिस प्लेस, वहाँ पे एक क्रिस्टल भी था उसके पीछे। आई कांट रियली सी अ क्रिस्टल हियर। ओ वेट व्हाट इज दैट इट, यही जगह है। एक सेकेंड यही जगह है भाई। ये कैसा पोकेमोन है, इज इट एंटे? आई थिंक दैट इज एंटे। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर मैन, ये क्या हो गया भाई तुझे? आई मीन द डिजाइन लुक्स कूल आई गेस, थोड़ा ट्राइसेराटॉप्स टाइप का लग रहा है ना गाइस, जो कि डायनासोर्स को जानते हैं भाई उनको पता रहेगा, काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ ट्राइसेराटॉप्स। डैम डूड, ओके सो वी फाउंड द फर्स्ट वन। डूड फोटो में नहीं दिख रहा है ऐसा, फोटो में कुछ तो क्रिस्टल है उसके पीछे। ओह ओके आई मीन नेवर माइंड, वेन यू लुक एट इट वो क्रिस्टल नहीं है, एक्चुअली सैटेलाइट ही है, वो एंगल काफ़ी लो था बस। अब एंटे तो भाई फायर टाइप होता है, इसका कुछ कह नहीं सकते। ही काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ फ्यूजन बिटवीन एंटे एंड राइकू समहाउ मैन, ही कैन बी लाइक इलेक्ट्रिक एंड फायर टाइप। आई हैव अ फीलिंग ही इज लाइक इलेक्ट्रिक एंड फायर टाइप। ठीक है फ्यूचर से आया क्या या फिर एंशिएंट पोकन होगा ना, मेरे गेम में एंशिएंट पोकन आते हैं तो ही माइट बी लाइक एन एंशिएंट वर्जन। ऑल दो आई मीन राइकू इज अ लेजेंडरी, उसका भी क्या एंशिएंट फॉर्म होगा भाई पता नहीं, लेट्स सी। ओ एंग्रा डोप, ओके लेट्स सी क्या टाइपिंग है इसकी, गाउजिंग फायर, इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक हमें टाइपिंग पता चल पाएगी भाई ऐसे, अभी इसके मुंह से ही हमें पहचानना पड़ेगा। आई एम गोना ट्रांसपोज स्ट्रेट अप, बर्निंग बुलवार्क, ओ माय गॉड क्या था ये, गाउजिंग फायर प्रोटेक्टेड इटसेल्फ, ओके अवॉइड द अटैक, कम ऑन मैन, पैरालाइज तो मुझे करना ही है पर ओके देयर वी गो, नाइस विल ही अटैक, यस ही इज अटैकिंग, अवॉइडेड, ओके कूल, ड्रैगन रश यूज करने वाला था भाई, बच गए अपन। फॉल्स स्वीप, ओके इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव बट इट इज लाइक मॉडरेटली इफेक्टिव। ओ ये क्या अटैक है भाई इसका, ये कितना मैग्निफिसेंट टाइप का अटैक है भाई। ओ ओके ठीक है, इट्स काइंड लाइक प्रोटेक्ट देन, लाइक इट्स काइंड बिहेविंग लाइक प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट ही दे देते ना इसको, अलग से मूव देने का क्या फायदा था भाई। ब्लू वॉज हर्ट बाई बर्न, वेट वॉट बर्न कैसे हो गया, मैं उससे ही हुआ क्या, मे बी इट्स लाइक अ प्रोटेक्ट दैट ऑल्सो बर्न्स द टारगेट इफ यू ट्राई टू अटैक इट, ऐसा कुछ होता है शायद। ओके फोर्स पाम ठीक है, मॉडरेटली इफेक्टिव इससे मुझे लगेगी भाई, या लग गई भाई, लग गई अपनी।
मेरे पास सेरुलेज पड़ा है क्या? सेरुलेज के मैंने सिखा रखा था भाई। या इट हैज फॉल्स स्वाइप। सो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी भाई कभी भी अगर ये फाइट टाइप यूज करने का ट्राई करें। वी शुड बी गुड टू गो। ओके नाइस। मैं काइंड ऑफ चाहता हूँ कि भाई मूव्स यूज करे यार। मैंने इसको पैरालाइज कर दिया है पर मैं चाह रहा था कि मूव्स यूज करे ये, जिससे मुझे पता तो चले क्या है भाई। ड्रैगन रश, ही माइट बी अ ड्रैगन एंड फायर टाइप दो। पर फिर ये इलेक्ट्रिक नेचर क्यों है भाई इसका? इसका जो हॉर्न वगैरह है ना, इट्स गिविंग वेरी इलेक्ट्रिक ही वाइब्स। ओके वी शुड बी गुड टू गो होपफुली। यार ये तो मास्टर बॉल टीयर का पोकन लग रहा है भाई मेरे को ऑनेस्टली भाई। इतना तगड़ा पोकन लग रहा है यार। पर शुड आई कैच इट इन अ मास्टर बॉल? नहीं यार नहीं यार, मास्टर बॉल के लिए शायद कोई और भी अच्छा पोकन हो भाई। आई एम गोना ट्राई टू कैच इट इन अ प्रीमियर बॉल, लेट्स सी। नहीं होगा ना? ऑफ कोर्स नहीं होगा भाई। इसमें तो कम से कम 1000 बॉल वेस्ट होंगी भाई अपनी। यार यहाँ पर डस्ट बॉल काम करेगी क्या? इट्स नॉट रियली अ डार्क प्लेस, बट इस एरिया यू कंसिडर टू बी अ डार्क प्लेस मे बी मैन। ओके नहीं नहीं, डस्ट बॉल शायद काम ना करे भाई। ड्रैगन रश। ओके लग्जरी बॉल भी ट्राई कर लेते हैं। लग्जरी बॉल में काफ़ी कूल लगे भाई बंदा। एंड कम ऑन, थोड़ा क्लोज था भाई, थोड़ा क्लोज था मैं। आई एम गोना ट्राई आउट लग्जरी बॉल अ कपल मोर टाइम्स, देखते हैं भाई शायद आ ही जाए भाई लग्जरी बॉल में। कम ऑन, आ जा भाई, आ जा, ओए आ जा। यार आ गया था भाई, ऑलमोस्ट आ गया था यार। अब तो बेटा अपन लग्जरी बॉल में ही पकड़ेगा तेरे को। अब तू कैसे बचेगा मेरे से? ओके आई यार मेरे को नहीं बोलना चाहिए था शायद, गुस्सा दिला दिया मैंने। ओके अल्ट्रा बॉल, विल यू डू द ट्रिक? ओके थैंक यू। मैं चाहता था कि ना पकड़ में आए भाई अल्ट्रा बॉल में। जस्टिस नहीं होता भाई इस पोकेमॉन के लिए। दिस पोकेमॉन डिजर्व्स बेटर एंड बेटर इज लग्जरी बॉल। पर ये पपलू आ कर है भाई पकड़ में लग्जरी बॉल में। ही डजंट नो व्हाट लग्जरी इज। ए आ गया, आज ही आ गया भाई। मेरे को लगा 10 दिन और लगाएगा तू है गंदे लड़के। ओ भाई इसमें तो और अच्छा लग रहा है। इसमें तो और अच्छा लग रहा है भाई, अच्छी लाइटिंग के साथ। गाउजिंग फायर, फायर एंड ड्रैगन टाइप एज आई सेड। अमेजिंग अमेजिंग, लुक्स प्रीटी डैम कूल। तो यहाँ पे 3 पोकेमोन है लेजेंडरीज जो कि तुम्हें मिलने वाले हैं। ओके तो इसने तो हमें 2 ही का दिखाया, अभी एक और कहाँ है भाई? एक और का क्यों छुपा रही है तू? ओके ये तो हो गया, एक और मिलना चाहिए हमें एकदम नीचे। हमें एकदम नीचे जाना पड़ेगा भाई उसके लिए। मतलब एकदम नीचे तो नहीं जाना, पर लाइक अराउंड। नहीं यार ये तो मैं ज़्यादा नीचे आ गया फिर तो। इन क्लाउड्स के नीचे क्या होता है कि क्रिस्टल वाली चीज़ आ जाती है, तो अगर वहाँ पर जाना पड़े देन वी हैव गॉन टू फार। इट शुड बी लाइक नियर दिस वाटर काइंड ऑफ एरिया राइट? इधर कहीं होना चाहिए भाई शायद। मे बी राइट हियर, हु नोस, मे बी राइट हियर। लुक्स लाइक अ गुड स्पॉट टू मी। हेलो ब्रेवरी। रेजिंग बोल्ट था क्या इसका नाम? कुछ तो ऐसे ही था। ओ या देयर इट इज। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? व्हाट इन द एक्चुअल हेल इज दिस डूड? इज दिस लाइक राइकू प्लस समथिंग एल्स? व्हाट इज इट? इट लुक्स बैड मैन, इट लुक्स वेरी बैड। ओ माय गॉड भाई, वो गाउजिंग फायर तो अच्छा लग रहा था, ये क्या अजीब सा है भाई। ओके आई गेस वी हैव टू कैच इट। कैच तो करना ही है भाई। तुम लोग को अच्छा लगा क्या भाई? मुझे तो कुछ ऐसा खास लगा नहीं भाई, तुम लोग बताना। मे बी आई एम जस्ट कंप्लेनिंग फॉर नो रीजन, हो सकता है अच्छा ही हो। ओके वेल रेजिंग बोल्ट, टाइम टू फाइट माई मैन राइगू। या ही इज डेफिनेटली लाइक अ राइकू का एंशिएंट फॉर्म, पर आई डोंट रियली लव दीज काइंड ऑफ पोकेमॉन मैन। जैसे लंबी गर्दन वाले देखो दिख भी नहीं रहा भाई सही से। अब क्या इसी गर्दन ताकू में फिर हैं? मेरे को इसमें इतना कम इंटरेस्ट है कि आई एम जस्ट गोना थ्रो अ क्विक बॉल एट इट, एंड अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाह ओके 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 ठीक है, आई टेक दैट। सही बताऊँ क्विक बॉल में अच्छा भी लग रहा है भाई वो, लाइक इट हैज़ येलो एंड ब्लू थीम जो काफ़ी सही लग रहा है।
दिस डजंट फील लाइक अ लेजेंडरी कैचिंग बैटल दो. ऐसे ही पकड़ लिया भाई बेचारे को मैंने. देर आर स्कैंड फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ दिस क्रीचर बींग साइटेड. वन शॉर्ट वीडियो शोज इट रैम्पेजिंग एंड स्पाउटिंग पिलर्स ऑफ फ्लेम. ओके रेजिंग बोल का इट इज सेट टू इंसिनरेट एवरीथिंग अराउंड इट विथ लाइटनिंग लॉन्च फ्रॉम इट्स फर. वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दिस क्रीचर. इनके भी इन्होंने कुछ नहीं दिए आईवीज. भाई कम से कम इनके तो आईवीज देते यार. कम ऑन मैन. पर चलो जी प्यारी पेरन को बताते हैं. वो शायद हमें एक लास्ट वाले पोकेमन की लोकेशन देने वाली है. एक और पोकेमन एंट्री बची है उधर इन द पोकेडेक्स. वो रिक्स दैट पोकेमन इजंट दैट द पोकेन फ्रॉम द पिक्चर. दैट्स अ रियल लाइफ गाउजिंग फायर. जस्ट लुक एट द शेप ऑफ इट्स हेड. देयर आर ह्यूमर्स दैट से दिस फेलो कैन मेक मैग्मा इरप्ट फ्रॉम द ग्राउंड जस्ट बाय रोरिंग. सो इज लाइक अ काइनू. इफ दैट वर ट्रू देन दिस थिंग वुड बी अ रियल फियरसम थ्रेट टू फेस. Now let me just snap a couple of photos here and there. मेरी फोटो मत ले उसकी ले तू. This could mean the other Pokemon I showed you is real too. Report back when you find it. I actually got it. I mean, you can check it out. A real raging bolt? That neck is boy. That neck. It's almost too much to fit in one frame. Right? बेकार है ना Pokemon. मैं बोल तो रहा था तुझे. इफ दैट वर ट्रू देन दिस शेड. ओके ठीक है इसको फोटोज लेनी थी बस यार. हमसे भाई काम निकलवाती है भाई ये. सब लोग मुझसे काम निकलवाते रहते हैं भाई. कोई असली दोस्त नहीं रहा भाई अपना निमोना के अलावा. आई कांट इवन बी सरप्राइज्ड. दैट्स जस्ट लाइक यू रिक्स. हियर यू गो द प्राइस इज अ रियल कैच. स्पोर्ट बॉल. नॉट बैड नॉट बैड. इट्स प्रीटी गुड. इट्स फाइन हाउ मच मिस्ट्री इज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड इज़न्ट इट. व्हेन यू आर अ किड यू कैन जस्ट रन होल हार्टेड व्हेनेवर यू वांट. But it's not so easy when you get older. You keep running, Rex. Find unknown Pokemon. Have great adventures. Do it for me. And now I think I'd better get back to work. Wait, really? Is she gonna go now? Please don't go, Perrin. Don't go, Perrin. Okay, Perrin is not going away. I'm guessing this quest is done. But हमें एक पोकन नहीं मिला भाई अभी. जिसकी Pokédex में उन्होंने लास्ट में जगह दी है पर हमें अभी तक मिला नहीं है. एक्चुअली दो पोकेमोन की जगह है यार यहाँ पे अभी. पर चलो एनीवेज गाइस आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. आज हमें दो स्पेशल लेजेंडरी पोकेमोन जो थे हमारे वर्जन के वो मिल गए. आई थिंक वो लास्ट के जो स्लॉट्स है ना वो भरने वाले हैं वायलेट के एक्सक्लूसिव लेजेंडरी से. उसमें भी कुछ आई थिंक लाइक फ्यूचर पैराडॉक्स पोकेमोन कुछ आए होंगे. वो हमें भाई यहाँ पे चाहिए. तो अब वो पता नहीं मैं किससे लूँगा. पता नहीं भाई हो सकता है कुछ बॉट्स हो जो कि ट्रेड कर सकें. मोस्ट प्रॉब्ली मुझे वही करना पड़ेगा. पर अगर तुम लोग भी भाई ये गेम खेलते हो देन डू सेंड योर फ्रेंड कोड्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. या फिर मैं अपना यहाँ पे दे देता हूँ भाई ये लिख स्क्रीन पे. मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो एंड इफ पॉसिबल हम लोग एक ट्रेड करने का ट्राई करते हैं. तुम लोग मुझे अपने लेजेंडरीज देना मैं अपने वाले दूंगा एंड वी कैन जस्ट स्विच दम बैक अगैन. जिससे हमारे पास वापस अपने अपने आ जाएँ तो कम से कम पोकेडेक्स एंट्रीज फुल हो जाएँ. राइट. तो अगर कोई गेम खेलते तो मुझे बताना भाई पोकन वायलेट अगर खेलते हैं तो. बट या गाइस लाइक मोस्ट ऑफ द स्टफ इज डन. अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं करने के लिए. वी हैव टू कैच अ लॉट ऑफ लेजेंडरीज. वो चीज़ है हमें थोड़ी बहुत स्टार्टर्स पकड़ने हैं और शाइनी स्टार्टर्स पकड़ने हैं मोस्ट ऑफ ऑल. एंड हमें भाई जिम लीडर वाली चीज़ करनी है. तो बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड लाइक ऑनेस्टली जिम लीडर वाली स्टफ इज़ लाइक रियली बोरिंग. नॉट गन अलाइम द जिम लीडर थिंग इज़ वेरी बोरिंग. तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं ऑफ कैमरा कर दूँ एंड आई जस्ट शो यू ऑल द रिवॉर्ड्स एट वंस. मैं सारे के सारे रिवॉर्ड्स भाई एक साथ दिखा दूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. And yeah, that is it guys for today. I hope you enjoyed. मज़ा तो भाई like मार देना. चलो guys, bye bye, see you next time and peace out.